तो दोस्तों, जो पहले आपने क्लिप देखा, ये वीडियो बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट हो जाता है। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस प्रकार के वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस प्रकार के वीडियो बना करके एंड यूट्यूब पे अपलोड करके एंड यहाँ से अर्निंग करते हैं एंड सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कि कहाँ से वीडियो लेना है एंड उसे किन रूल को ले फॉलो करते हुए मतलब लेना है, एंड किन रूल को फॉलो करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा, एंड कैसे एडिट करना है तो आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब आप उस वीडियो को सिंपली यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप लोगों को मैं रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दूंगा कि कहाँ से वीडियो लेना है एंड कैसे एडिटिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन में। यूट्यूब एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में चला आता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ कोको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस चैनल का नाम, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। मैं चैनल का नाम लिख लिया हूँ, उसके बाद चैनल में चलता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं 16.7 करोड़ सब्सक्राइबर गेन कर लिया मात्र एक के वीडियो में, मतलब 1000 वीडियो में 16.7 करोड़ सब्सक्राइबर, करोड़ में सब्सक्राइबर है, आप लोग समझ सकते हो। एंड यहाँ पे वीडियो के व्यूज की बात करें तो मैं चलता हूँ वीडियो वाले ऑप्शन में एंड आप लोग देख सकते हैं लाखों में व्यूज 4.2 लाख, 34 लाख, 29 लाख, आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब लाख में वीडियो आता है, व्यूज आता है। एंड यहाँ पे पॉपुलर की बात करें, मैं चलता हूँ थोड़ा सा पॉपुलर में, तो पॉपुलर में आप लोग देख सकते हैं 648 करोड़, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 648 करोड़, 566 करोड़। एंड नीचे और चले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 382 करोड़, एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 382 करोड़, 311 करोड़, 310 करोड़, मतलब 300 करोड़, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा व्यूज है। तो आप लोग भी इस प्रकार का चैनल बना सकते हो। एंड ये भाई कुछ नहीं करता है, बस कॉपी पेस्ट करता है एंड ये एप्लीकेशन से बताता है। एंड इसका लेंथ भी देख सकते हो, इसका वीडियो का लेंथ 2 मिनट, 1 घंटा, 2 मिनट, यहाँ पे जो लाइव आता है उसे 1 घंटा, नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 47 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मतलब कि अधिकतर वीडियो यहाँ पे 2-3 मिनट का है। 1-2 घंटा का भी वीडियो बना सकते हो एंड अगर आप चाहो तो 2-3 मिनट का भी वीडियो बना सकते हो एंड जैसा लेंथ का चाहो तो वैसा लेंथ का बना सकते हो। एंड आपको मैं बता देता हूँ इस प्रकार से वीडियो कहाँ से लेना है। तो मैं सिंपली यूट्यूब से नहीं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को सिंपली यूट्यूब से ले लेना है, आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे लिखना है डोमी किड्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। एंड मैं इसका लोगो की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये लोगो है एंड इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिंपली इंस्टॉल कर लिया हूँ एंड मैं यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है एंड ऐड दे रहा है, तो मैं सिंपली क्लोज कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ वीडियो कहाँ से लेना है, तो आप लोगों को सिंपली इधर आ जाना है एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एल्बम, मतलब कि मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एल्बम है, मतलब कि ये जितना भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डोमी किड्स के नीचे यहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ले सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं पहला एल्बम ये है, तो पहला एल्बम में 52 वीडियो, दूसरा में 44 वीडियो, उसी प्रकार से यहाँ पे 60 वीडियो एंड यहाँ पे इधर भी है बहुत सारा एंड यहाँ पे 50 वीडियो, 72 वीडियो, 34 वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो है। एंड आप लोग देख सकते हैं इधर तक यहाँ तक वीडियो है, मतलब 30 वीडियो, 39 वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से ले सकते हो। तो मैं सिंपली पहला वाला एल्बम में चलता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे मतलब ये वीडियो प्ले होने लगता है। आप लोग देख सकते हैं ये पहला वीडियो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा कट करके, एंड आप लोग देख सकते हैं पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो एंड इसी प्रकार से नीचे बहुत सारा वीडियो है। तो आप लोग सिंपली प्ले कर सकते हो एंड मैं पहला वीडियो को प्ले करूंगा। तो आप लोगों को प्ले करके कैसे करना है, तो आप लोग चाहें तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड अगर आपको डाउनलोड नहीं करने आता है तो आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर से एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में एक्स रिकॉर्डर है तो आप लोग सिंपली उससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा।
यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं प्ले करता हूँ तो वीडियो प्ले होता है एंड मैं आगे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले होता है एंड आप लोग साउंड भी सुन सकते होंगे। मैं यहाँ पे साउंड को लो कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे साउंड को कम कर देना है क्योंकि मैं एडिट नहीं करूँगा। अगर मैं साउंड को एडिट कर दूँगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को वीडियो को ले लेना है, आप लोग वीडियो यहाँ से ले लिए एंड उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे बैक आ गए हैं। बैक आने के बाद आप लोगों को सिंपली चले जाना है काइन मास्टर एप्लीकेशन में। ये काइन मास्टर एप्लीकेशन सभी क्रिएटर के मोबाइल में होता ही है, तो आप लोगों को सिंपली काइन मास्टर एप्लीकेशन में चले जाना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेशियो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब का रेशियो है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड नीचे आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग वहाँ से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था या डाउनलोड किया था उसे यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले वाले ऑप्शन में, मतलब सबसे पहले आ जाना है वीडियो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे चले आना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ से कर लूँगा। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन के अंदर गया हूँ एंड आगे चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन के अंदर हूँ एंड यहाँ पे और आगे चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ पे और आगे चलता हूँ एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है, वीडियो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से एंड यहाँ से आप लोगों को ट्रिम लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को पैन एंड जूम वाला ऑप्शन में आकर के इसे बराबर कर लेना है एंड इसे बड़ा कर लेना है ताकि वीडियो आपके मोबाइल जितना है उतना तक पता चले। एंड आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूरा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो गया है एंड उसी प्रकार से लास्ट में आ गया हूँ। तो लास्ट में जहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मान के चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म होने वाला है एंड यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप लोगों को जहाँ वीडियो ख़त्म होगा वहीं पे ला करके एंड यहाँ पे आप लोगों को ट्रिम राइट कर देना है। तो आपका वीडियो ही केवल बचेगा, मतलब कि जो फालतू का पार्ट था वो कट गया। उसके बाद आप लोग सिंपली बैक आ जाइएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो आ गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन में। आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है, तो इसको ज़्यादा या कम करके आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है ताकि वीडियो मतलब पहले वाले वीडियो से मिलना नहीं चाहिए, दूसरा तरह से लगना चाहिए। एंड उसके बाद फिल्टर वाला ऑप्शन में आकर के एक फ़िल्टर लगा लेना है ताकि उस वीडियो मतलब पहले वाला वीडियो से भी मिलना नहीं चाहिए। ये सब कर लीजिएगा तो आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा। वो वीडियो के मामले में था, मतलब कि आप लोगों को वीडियो में कभी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ ऑडियो के मामले में, तो अगर आप चाहो तो वॉइस ओवर कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके एंड यहाँ पे परमिशन दे करके वॉइस ओवर कर सकते हो। एंड अगर आप नहीं चाहते हो कि वॉइस ओवर करना, तो आप लोगों को सिंपली वीडियो वाला ऑप्शन में आ जाना है एंड नीचे आ जाना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ से बहुत सारा वॉइस आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोग सिंपली कोई भी एक वॉइस सिलेक्ट करके एंड यहाँ से वॉइस चेंज कर लीजिएगा, तो आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा वॉइस के मामले में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, वॉइस चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर लगा लिए, एडजस्टमेंट हो गया, मतलब वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप लोगों को एक बढ़िया रेजुलेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेजुलेशन, फ्रेम रेट, ये सब देख लीजिएगा एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेव एज वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। एंड अब आप इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके एंड यहाँ से अर्निंग कर सकते हो एंड एक न्यू चैनल बना करके ये सब कीजिएगा। नहीं तो ओल्ड चैनल पे अगर आप कुछ होता है प्रॉब्लम वगैरह, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ओल्ड चैनल पे, तो आप लोगों को एक नया चैनल बना करके ये सब अपलोड कीजिएगा, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, मोनेटाइज भी होगा एंड कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक, जय टेक्निकल।